हेलो फ्रेंड्स, इन आवर प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट थियोफाइटा दैट इज ब्राउन एल्गी। इन प्रेजेंट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट अ न्यू ग्रुप ब्रायोफाइटा विच बिलोंग्स टू प्रिमिटिव एम्ब्रियोफाइट्स, माने भ्रूण बढ़ने वाले पौधों में ये सबसे पुराने पौधे हैं ये ब्रायोफाइट्स। इसमें हम देखें कि इसके लगभग 840 वंश और लगभग 2500 जातियां इसकी पाई जाती हैं, और जो लगभग सब जगह पर कॉस्मोपॉलिटन सब जगह पाई जाती हैं, और ज्यादातर ये छायादार एवं नम स्थानों में पाए जाते हैं और पानी के आसपास ही रहते हैं, क्योंकि इनके रिप्रोडक्शन के लिए पानी आवश्यक होता है। सो दे फाउंड नियर द वाटर। इनमें कंडक्टिव टिश्यू नहीं पाए जाते हैं, दैट इज जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते, लिहाजा इनकी जो सेल्स हैं उन्हें पानी के संपर्क में आवश्यक होता है। सो they can perform their all function related to the water। जैसे जो मेल गैमिट है वो फीमेल गैमिट तक वाटर के साथ पहुंचता है, इसलिए इनको हमेशा ये पानी के पास ही पाया। इनमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, पीढ़ी एकांतर, अर्थात गैमिटोफाइट और स्पोरोफाइट दो पीढ़ियां होती हैं जो एक के बाद एक आती है। इन्हें पादप जगत के एम्फीबियंस भी कहा जाता है, क्योंकि जल और स्थल दोनों पर ये रहते हैं। इसमें जो गैमिटोफाइट पीढ़ी है वो मुख पीढ़ी होती है, डोमिनेटिंग होती है। स्पोरोफाइट पीढ़ी शॉर्ट छोटी होती है, कम समय के लिए होती है, और गैमिटोफाइट जो गैमिट्स बनते हैं स्पोरोफाइट में स्पोर बनते हैं। गैमिटोफाइट एक इंडिपेंडेंट और प्रीडोमिनेंट डोमिनेंट स्टेज है, जबकि स्पोरोफाइट डिपेंड अपॉन द गैमिटोफाइट, ये गैमिटोफाइट पे ही निर्भर करती है, क्योंकि उसी के ऊपर ही ग्रो करती है। इनकी हाइट हम सामान्यता देखें तो 1 से 3 सेंटीमीटर सामान्यता होती है। कुछ अपवादों को छोड़ करके, जैसे सबसे वो बड़ा इसका जो पौधा होता है वो डॉसिनिया, वो लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर लंबा होता है, और सबसे छोटा जो उसका पौधा होता है वो 0.5 सेंटीमीटर होता है। सो ये दो सबसे छोटे और सबसे बड़े ब्रायोफाइट्स हैं। इनके एग्जांपल्स देखें, स्फैग्नम, फ्यूरिया, लिक्सिया एंड मार्केसिया। इसमें लिक्सिया और मार्केसिया ये है, ये प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स हैं, और ये थैलोइड होते हैं। थैलोइड बॉडी माने कैन नॉट बी डिफरेंशिएट इनटू रूट स्टेम एंड लीफ। थैलस का मतलब होता है सुकाय, जिसे हम स्टेम लीफ और रूट में डिफरेंशिएट ना कर पाए, ऐसे स्ट्रक्चर को थैलस कहते हैं। तो ये थैलोइड है, और स्फैग्नम और फ्यूरिया है, इनमें पत्तियों जैसी आकृति तो पाई जाती है, बट दैट इज नॉट ट्यूलिप्स। उनमें वैस्कुलर टिश्यूज नहीं पाए जाते, कंडक्टिव टिश्यूज नहीं पाए जाते हैं, और जो जड़ें होती वो भी वास्तविक नहीं होती हैं, राइजोइड्स कहलाते हैं। तो ये दोनों थोड़ा सा डेवलप्ड हैं, लेकिन लिक्सिया और मार्केसिया दोनों ही ये प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स हैं। इनमें थायरॉइड बॉडी होती है। अब स्फैग्नम के बारे में थोड़ा देखें, इसको हम पीट मास कहते हैं। ये एक्वेटिक है, पॉन्ड्स में पाया जाता है, और जहां पर ये पाया जाता है वो देखने में दूसरे ऐसा लगता है जैसे मखमल बिछा हो, मखमली घास जैसा दिखाई देता है, जिसे हम डॉग्स कहते हैं। ये जो पीट मास है वो इसको हम फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, और इससे अमोनिया और पैराफिन बनाए जा सकते हैं, और इसी से एंटीसेप्टिक
दवाई बनती है जो बूंड्स को फिल करने के लिए काम आती है। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी में यूज फॉर ड्रेसिंग ऑफ बूंड्स, माने घावों को साफ करने के लिए या ड्रेस करने के लिए काम आती है। और चूंकि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए इसका प्रयोग हम पैकेजिंग ग्राफ्टर करते हैं और ये इंप्रूव द सॉइल टेक्सचर, इस सॉइल टेक्सचर को इंप्रूव करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसमें जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव होता है एंथ्रिडियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है आर्चिगोनियम, दोनों ही मल्टीसेलर होते हैं और एक जैकेट लेयर्स, जैकेट सेल्स की लेयर होती है जिससे घिरे रहते हैं, वो लेयर बंद कोशिकाओं से बनी होती है, स्टेराइल सेल्स होते हैं जो इनके टेरेस्ट्रियल जीवन के लिए उपयुक्त होती है, जो इन्हें टेरेस्ट्रियल लाइफ लीड करने में मदद करती है। हो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ब्रायोफाइट। थैंक्स।